उत्तराखंड में चोरी की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चोर इतने शातिर हैं कि वे अलग अलग तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अब एक चोरी की घटना रुद्रपुर से सामने आई है, जहां चोरी के बाद चोर दीवार तोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि हार्डवेयर पेंट्स की दुकान को निशाना बनाकर करीब 4 लाख की नकदी समेत अन्य महत्वपूर्ण कागजात पार कर लिए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चोर दुकान के पीछे गोदाम की दीवार तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुकान के मालिक से जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक काशीपुर बाईपास रोड ग्रीन पार्क में रहने वाले पुलकित बांबा की एमएस महामाया पेंट एंड प्लाईवुड के नाम से एक दुकान है, जहां मालिक रविवार रात दुकान बंद करके घर चला गया। उन्होंने बताया कि 13 मार्च की रात 9:15 बजे वे दुकान बंद करके घर गए। 14 मार्च को साप्ताहिक बंद होने की वजह से दुकान बंद रही। वहीं जब मंगलवार सुबह जब दुकान खोलकर देखी तो गल्ला टूटा हुआ था, उसमें से 4 लाख की नकदी गायब थी और आवश्यक कागजात समेत अन्य सामान चोरी हो गया था। दुकान स्वामी ने जब दुकान के पीछे स्थित गोदाम में देखा तो वहां गोदाम की दीवार टूटी हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि चोर रविवार रात को ही ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और उसके बाद वे गोदाम में बैठ गए। दुकान बंद होने के बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया और दीवार तोड़कर फरार हो गए।